दोस्तों सब्सक्राइब करिए हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट बाबा चैनल को और इस बेल आइकन को दबाइए सबसे पहले न्यू अपडेट वीडियो देखने के लिए। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग सभी अच्छे होंगे। दोस्तों आपके फोन में दो ऐसे एप्लीकेशन हैं जो कि आपके फोन के लिए बहुत ही ज्यादा हानिकारक है। जैसे कि वो दोनों एप्लीकेशन कर क्या रहे हैं कि आपके फोन का पूरा डाटा जो है वो चुरा रहे हैं। जैसे कि आपका कॉन्टैक्ट या फिर आपका जितना भी फोन की गैलरी में आपका फोटो है, वो सारा फोटो जो है वो इकट्ठा कर रहे हैं और आपकी एक्टिविटी, आप कब क्या करते हैं, वो सारा कुछ जो है वो मतलब कि कलेक्ट कर रहे हैं। तो इससे आपका जो है वो गलत इस्तेमाल भी हो सकता है। तो मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा कि आप दोनों एप्लीकेशन को अपने फोन से पूरी अच्छी तरह से क्लियर कैसे कर पाएंगे। तो अगर आप जानना चाहते हैं और वो दोनों एप्लीकेशन से अपने फोन को अच्छी तरह से हटाना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को शुरू से एंड तक ध्यान से जरूर देखिएगा दोस्तों, तभी जो आप पूरा प्रोसेस जान पाएगा। ओके, तो चलिए मैं टाइम वेस्ट किए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। मेरा नाम है सत्यम और आप देख रहे हैं टेक्निकल एक्सपर्ट बाबा यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों अगर आप अपने फ़ोन से हार्मफुल एप्लीकेशन को हमेशा के लिए हटाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, इस वीडियो को सबसे पहले कर देना होगा लाइक और आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना होगा। इसके बगल में घंटे का आइकन आ जाएगा तो आपको इसे दबाकर यहां से ऑल कर लेना होगा दोस्तों। और साथ ही यहाँ पर आपको एक कॉमेंट करना होगा जैसे कि नाइस, ऑसम या फिर यहाँ पर अपना नाम लिख देना होगा ताकि मैं जान सकूँ कि आप जो है हमारा वीडियो देखते हैं, मैं आपका जो है नाम पढ़ सकूं। तो यहाँ पर आप कुछ भी एक कमेंट कर दें, मैं आप सभी का कमेंट पढ़ता हूँ, उसे लाइक करता हूँ और उसे हर्ट देता हूँ। ओके, तो चलिए हम जानते हैं वो ट्रिक के बारे में। तो यहाँ पर ये वो एप्लीकेशन आपको अपने फ़ोन में इंस्टॉल करना है जिसका नाम है डॉक्टर कैप्सूल। तो चलिए हम इसे ओपन कर लेते हैं और इस एप्लीकेशन का लिंक मैंने वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप बहुत ही आसान तरीके से अपने फ़ोन में इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं। ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इस एप्लीकेशन का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपको सारा ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर अभी स्कैन में है तो सिंपली यहाँ पर अपने फ़ोन को स्कैन करेंगे और ये एप्लीकेशन मुझे बता देगा कि कौन सा एप्लीकेशन है जो कि हमारे फ़ोन को हार्म पहुँचा रही है, यानी कि हमारा सारा डाटा जो है वो कलेक्ट कर रही है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये एप्लीकेशन है जो कि हमारे फ़ोन को हार्म पहुँचा रही है। तो यहाँ पर सिंपली हम क्या करेंगे, डिलीट ऑल पर टैप करेंगे। अब करने के बाद ये एप्लीकेशन जो है इस एप्लीकेशन को पूरी अच्छी तरह से क्लियर कर देगा, यानी कि हमारे फोन से ये हटा देगा। अब यहां पर आप देख रहे हैं ये क्या लिख रहा है, सेफ, यानी कि हमारा फोन जो है पूरी तरह से सेफ हो गया, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद यहां पर बैक आते हैं तो यहां पर आपको एक ऑप्शन और मिल जाता है बैटरी का। तो बैटरी पे यहाँ पर जाते हैं तो यहाँ पर ऑप्टिमाइज का एक ऑप्शन मिलेगा जिससे कि आपको ये पता चल जाएगा कि आपके फ़ोन के बैकग्राउंड में कौन सा एप्लीकेशन है जो कि आपकी बैटरी को मतलब कि बहुत ही ज़्यादा खा रही है। तो यहाँ पर ऑप्टिमाइज पे टैप करेंगे और करने के बाद यहाँ पर ये एप्लीकेशन क्या किया, सारे एप्लीकेशन को बंद कर दिया। ओके, अब हमारे फ़ोन की बैटरी जो है वो कुछ ज़्यादा ही देर अब टिकेगी। अब उसके बाद यहाँ पर क्लीन पे जाते हैं तो यहाँ पर क्लीन में आपके फ़ोन में कुछ जंक रहते हैं तो उसे ये जो है वो क्लियर कर देगा, यानी कि आपके इंटरनल में कोई ऐसा मतलब कि फोल्डर है जो कि बिल्कुल खाली रहता है और ऐसे ही मतलब कि बना रहता है, तो यहाँ पर यह एप्लीकेशन क्या करेगा, उस जंक को जो है वो क्लियर कर देगा, यानी कि आपका फ़ोन जो है वो बिल्कुल सेफ हो जाएगा और मतलब कि स्मूथ भी चलने लगेगा। यहाँ पर जंक क्लीनर है ये और ये आपके फ़ोन का सारा जंक जो है वो क्लियर कर देगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं 404 MB इसने क्लियर किया और यहाँ पर कुल 16.03 KB क्लियर इसने कर दिया। तो यहाँ पर हम इस पर टैप कर देंगे और करने के बाद यहाँ पर देख रहे हैं कंप्लीट हो गया और क्लियर हो गया। अब उसके बाद यहाँ पर बैक आ जाएंगे, बैक आने के बाद यहाँ पर आपको जो है मैसेंजर का एक ऑप्शन मिल जाता है, फिर यहाँ पर बूस्ट का ऑप्शन मिलता है और यहाँ पर थ्री लाइन्स पर जाते हैं यानी कि मेन्यू पर जाते हैं तो यहाँ पर आपको और भी ऑप्शंस मिल जाता है जैसे कि वायरस स्कैनर, बैटरी सेवर और उसके बाद जंक क्लीनर, फ़ोन बूस्टर, ऐप मैनेजर, मैसेंजर क्लीनर। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। वाईफाई मैनेजर यानी कि अगर आप वाईफाई से कनेक्ट किए हैं और आपका नेट फिर भी स्लो चल रहा है तो यहाँ पर आप इस ट्रिक का भी मतलब कि कर सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको ऐप लॉक का भी एक ऑप्शन मिल जाता है जिससे कि आप इसी एप्लीकेशन के अपने फ़ोन के सभी ऐप को जो है वो लॉक भी कर सकते हैं। तो बहुत ही कमाल का एप्लीकेशन। तो अगर आपको ये एप्लीकेशन अच्छा लगा तो इस एप्लीकेशन का लिंक मैंने वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे ही दिया है, तो वहाँ से इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिए और इंजॉय करिए इस एप्लीकेशन को।